आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एलो हेडल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके, और आपके माइंड में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आएंगे और आप शायद किसी से पूछोगे भी। तो बिना कोई टाइम बर्बाद करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोने की है मगर सुनार की दुकान पर नहीं मिलती? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोने की है, ठीक है, मगर सुनार की दुकान पर नहीं मिलती? आपको 2 मिनट दिए जाते हैं और मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो, ठीक है। तो फ्रेंड वो है तकिया और चारपाई, जो कि सोने की तो है लेकिन सुनार पे नहीं मिलती। फ्रेंड आगे देखो, कितने महीने ऐसे हैं जिसमें 28 दिन होते हैं, ठीक है। कितने महीने ऐसे हैं जिसमें 28 दिन होते हैं? फ्रेंड अगर आपको पता है तो कमेंट करो उस पे। तो फ्रेंड्स पूरे 12 महीने में हमेशा 28 दिन होते ही हैं। नेक्स्ट देखो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो फटने पर आवाज़ नहीं करती? फ्रेंड थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो फटने पर आवाज़ नहीं करती? फ्रेंड तो इसका आंसर है दूध, क्योंकि दूध फटने में कभी आवाज़ करता है? नहीं करता। इंसान आवाज़ करते हैं कि दूध फट गया। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रीज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रीज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? अगर फ्रेंड आपको पता है ना, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। तो आंसर है फ्रेंड गरम मसाला। जी हाँ फ्रेंड, चाहे उसको गर्मी में रखो तो भी वो गर्म है और सर्दी में रखो तो भी गर्म रहेगा, ठीक है फ्रेंड। ऐसी कौन सी चीज़ है जो महीने में एक बार आती है मगर सिर्फ 24 घंटे बाद वापस भी चली जाती है, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो महीने में एक बार आती है और सिर्फ 24 घंटे बाद वो वापस भी चली जाती है? फ्रेंड जरा सोच के तो बताओ, थोड़ा माइंड लगाओ। तो आंसर देखते हैं क्या है, तारीख। जी हाँ फ्रेंड, तारीख ही एक ऐसी है जो महीने में एक बार आती है और सिर्फ 24 घंटे के लिए होती है, फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट देखो, ऐसा कौन सा वाहन है, वाहन मतलब जो गाड़ी मोटरसाइकिल जैसी चीज़ होती है उसे कहते हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर से जाता है फिर भी हमें कुछ नहीं होता, ठीक है, वो आपने देखा भी होगा फ्रेंड। अगर आपका आंसर है तो जल्दी कमेंट करो फ्रेंड, जल्दी से फटाफट आंसर देखते हैं। आर यू रेडी? चलो, हवाई जहाज़ फ्रेंड, क्योंकि हवाई जहाज़ तो काफ़ी ऊपर उड़ता है और हमारे ऊपर से भी जाएगा तो भी हमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, कोई ऐसे अनाज का नाम बताइए जिसका नाम एक तीर्थ स्थल के नाम पर हो और वहाँ पर दुनिया भर से लोग जाते हैं, ठीक है। कोई अनाज का नाम बताना है ऐसा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई ऐसा अनाज का नाम बताइए जिसका नाम एक तीर्थ स्थल के नाम पर हो
और वहाँ पर दुनिया भर से लोग जाते हैं। कुछ माइंड में आ रहा है आपके? गलती सही, एक बार कमेंट तो करो फ्रेंड, क्या पता आपका आंसर सही हो। देखते हैं आंसर क्या है इसका। मक्का। मक्का आपने सुना होगा ना, मक्का मदीना, वहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखो, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं। देखो बड़ा मस्त है ये, बहुत अच्छा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं है, ठीक है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, और शहर है लेकिन घर नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं है, ठीक है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, और शहर है पर घर नहीं है। इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड, अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करो। तो है नक्शा, मैप। मैप में हर चीज़ बनी होती है लेकिन वो खाली नक्शे में ही होती है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अगर नाक पर, देखो, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं तो कान पकड़ कर खूब पढ़ाऊं। शायद ये आपको पता भी होगा और शायद आपके पास भी होगा ये, अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो तो, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, चश्मा। फ्रेंड चश्मा ही है जो हमारी आँख पर चढ़ता है और हमें पढ़ा देता है ना। फ्रेंड अगर आप मेरे नए व्यूअर हो ना, फ्रेंड जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा और बड़ा पसंद वाला है जो आप इसको देख के आए होंगे, ठीक है, थंबनेल पे। तो वह कौन सी चीज़ है जो सूखी हो तो 2 किलो और गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो होती है फ्रेंड, ठीक है, जल जाए तो 3 किलो होती है। जल्दी इसका आंसर बताओ फ्रेंड, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट जल्दी कर दो। इसका आंसर है सल्फर, ठीक है फ्रेंड। सल्फर होता है, उसे जलाने पर काफ़ी वजन हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो फ्रेंड, और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ना है तो इस पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और जीके वगैरह की भी वीडियो बना रखी है मैंने फ्रेंड, अगर आपको उसे भी देखनी है तो उसे भी आप व्यू करो फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड चैनल को व्यू करने के लिए।